अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक माई न्यू अनदर वीडियो। तो क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो ये वीडियो है रमज़ान प्रिपरेशन की, तो जो मैंने तैयारी की है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी कुछ की है और कुछ अभी रहती है, तो वो पार्ट वन और पार्ट टू इस तरह करके मैं आपको बता दूंगी। कुछ जो थोड़ी बहुत कर ली है वो आज के व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी और जो अभी रहती है वो कल या परसों जो व्लॉग आएगा उसमें आप लोगों से शेयर करूंगी। तो कुछ दिनों की दूरी पे है ये मुबारक महीना और मेरे ख्याल में आज है संडे, तो आई थिंक थर्सडे को पहला रोज़ा होगा इस महीने का। सबको इंतज़ार होता है, इतना रहमत और बरकतों वाला महीना है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में भरपूर इबादत करने की, पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और नेकी के काम, अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और सबको इतनी सताद दे कि वो हेल्प कर सकें जो डिज़र्विंग है उनकी। तो अब कुछ इसमें इतना अच्छा लगता है ना, इसमें सहरी में उठना और मिलजुल के सहरी करना, फिर इफ्तारी पे रोज़े के टाइम पे मतलब रोज़ा खुलने का वेट करना और वो सारा कुछ इतना मज़े का लगता है। फिर हर तरफ से अज़ान की जो आवाज़ आती है वो और ही मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। तो चलें अभी बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग भी देखें कि मैंने जो थोड़ी बहुत तैयारी की है, लेकिन जो भी तैयारी की है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मंगाया था गोश्त वगैरह, इसको यहाँ पे वॉश कर रहे थे हम लोग और इस अच्छी तरह वॉश करके फिर इसकी थैलियाँ बनानी थी। उस टाइम पे मैंने ना जिप लॉक बैग नहीं मंगाए थे, तो इसलिए जो पैकेट मेरे पास अवेलेबल थे उसमें मैंने छोटी छोटी थैलियाँ बना के रख दी थी। कीमा, बीफ और मटन, ये गोश्त मैंने मंगाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सदके का अलग किया था क्योंकि सदके का आप सबसे पहले निकाल लें, उसके बाद अपने जो भी बनाने हैं पैकेट तब बनाएं। और ये क्लिप है तकरीबन 2 वीक पहले का, तो इसमें से साथ साथ यूज़ भी होता रहा था, तो मुझे फिर कल दोबारा से मंगाना पड़ा था गोश्त क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका था इसमें से। तो ये सारी मैंने इस तरह थैलियाँ बना दी थी कि मैंने कहा चलो आगे यूज़ होती रहेंगी, तो ये मैंने बना के इस तरह से फ्रीज़ कर ली थी। और फ्रीज़र भी मैंने साफ़ किया था 2 दिन पहले, तो इसलिए मुझे आसानी थी इनको ये रखने में। मैंने और हरी यहाँ पे मिर्च हरी मिर्च जो जो थोड़ी थी सी थी वो वो इधर कोई भी आपके पास एयर इधर टाइट जो बॉक्स हो, एयर उसके टाइट अंदर बॉक्स डॉट्स होते होते हैं हैं कोई कोई भी भी आपके आपके, तो पास हो, उसके ऊपर मैंने हरी अवेलेबल तो मिर्च उसमें डाल के रख इंची के वंटी टिश्यू पेपर रखा इस था तरह से इसको और उसके पैक कर अंदर दिया डाल था। के और इस ये तरह काफ़ी सेम अंदर टाइम रख दी चल थी, इस जाती तरह हैं, काफ़ी खराब नहीं टाइम होती चल इतनी। जाती हैं। और पुदीना भी मैंने डंडियों से अलग करके उसकी पत्तियां सिर्फ वो उनसी बॉक्स में डाल के टिश्यू पेपर रख के उस तरह से रख ली थी, सेव कर ली थी। सलाद के पत्ते भी कचूमर सलाद वगैरह बनाते हैं जिस तरह, तो वो यूज़ होता है, तो ये भी मैंने इसी तरह टिश्यू वगैरह रख के एयर टाइट बॉक्स में ये मैंने इस तरह सारी चीज़ें रख दी थी। उसके बाद हरा धनिया ये मैंने मंगाया था, और ये मतलब मैं थोड़े थोड़े दिनों का तकरीबन ना एक एक वीक का मैं सेव करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं करती। जिस तरह आप मंथ 1 मंथ का करते हैं, मैं 1 1 वीक का करती हूँ, उतना मेरा यूज़ हो जाता है। तो फिर ये कम होता है तो थोड़ा सा और मंगा के फिर मैं इसमें डाल के इस तरह से रख देती हूँ। तो ये भी मेरी चीज़ें काफ़ी जिनसे ये रेडी हो चुकी थी। उसके बाद लहसुन अदरक मैंने मंगाया था और उसको मैंने छील के वॉश करके रख दिया था। फिर उसके बाद इसका पेस्ट बनाना था, इसको ग्राइंडर में डाल के और फिर इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनाया। लेकिन मेरा मैंने ना अपना जो ये पेस्ट बनाया तकरीबन पूरे मंथ तक का नहीं बनाया, तकरीबन 15 डेज़ या 20 डेज़ ये मेरा चल जाएगा, आराम से चल जाता है, कई दफ़ा होता है महीना भी चल जाता है। तो बाद में फिर और बना लेती हूँ। तो मैंने पहले बताया था मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक एक दो दो महीने का नहीं बनाती, काम मतलब महीने से पहले ही मेरा ख़त्म हो जाता है, मैं उतना ही बनाती हूँ। और ये मैंने क्लिप जो था ये वाला अब आप देख रहे हैं ये कल का क्लिप है क्योंकि दोबारा मुझे मंगाना पड़ा, पिछले क्लिप में आपने देखा वहाँ मैंने चिकन नहीं मंगाया था, तो मैंने ये जिप लॉक पैक भी दराज से ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पे मैं इनके अंदर गोश्त वगैरह डाल के अपने हिसाब से जितना यूज़ करना है, जितना एक टाइम पे बनाना है, तो उतना थैलियाँ उस तरह मैं बना रही हूँ, पैकेट्स बना रही हूँ। तो अगर कोई आ भी जाए गेस्ट वगैरह तो फिर आप पैकेट, ये है कि 2 पैकेट बना सकते हैं निकाल के। तो यहाँ पे मैंने मटन, बीफ और जिन से चिकन इसके मैंने पैकेट्स वगैरह यहाँ पे बना लिए थे। तो साथ साथ बस बना रही थी ये, मैंने कहा छोटा सा क्लिप भी साथ से बना देती हूँ क्योंकि इस तरह बहुत आसानी होती है ना, इस तरह से पैकेट जब बने हुए हों तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े अपने बनाना है तो आपने अपने हिसाब से जितना बनाना है वो वाला पैकेट आप निकालें,
और कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरह पैकेट मैंने बनाए थे, तो वो निकाल के आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी थैलियाँ मेरी बन गई थी जितनी मैंने बनानी थी। कुछ पहले की बनी हुई थी छोटी, वो मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया था क्लिप, तो बाकी जो बनाया बनाया था वो मैंने ये बना के फिर इसको फ्रीज़र में मैंने रख दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने शामी कबाब का जो मटेरियल है वो रेडी कर लिया था, और भाभी आई हुई थी। मैं और भाभी मिलके यहाँ पे शामी की टिक्कियाँ जो थी वो तैयार कर रहे थे। और यहाँ पे तैयार करने के बाद फिर ट्रे जो है उसके अंदर हमने शॉपर वगैरह रख के, तो ये सारी टिक्कियाँ इस पे रखी फ्रीज़ करने के लिए। जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर उसके बाद इनके पैकेट्स वगैरह में डाल के तो फिर बाद में रखूँगी। और ये छोटी छोटी जो टिक्कियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने अरीबा के लिए बनाई हैं। शामी की टिक्कियाँ वगैरह रेडी करने के बाद हम सब ने मिल के बैठ के ये मटर छीले थे। तकरीबन 2.5 किलो मैंने मटर मंगाए थे, तो मैंने कहा चलो रमज़ान का पूरा महीना चल जाएगा। और 5 पैकेट मैंने बनाए थे क्योंकि इतने ही यूज़ होने थे, डेली तो यूज़ होते नहीं हैं, तो मैंने इसके 5 पैकेट ही बनाए थे इसके। और उसके बाद भाभी यहाँ पे बना रही थी रोल के लिए, जो मटेरियल है वो रेडी कर दी सारी वेजिटेबल और चिकन वगैरह यहाँ पे डाल के, तो उसका सामान ये रेडी कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये रोल बना लिए थे। तो रोल बनाने के बाद फिर मैंने रेडी किया था आलू का जो समोसे हैं उनका मसाला। और यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल जो था मैंने निकाल के थोड़ी सी मैक्रोनीज़ बॉयल की थी, तो ये हमने मैक्रोनीज़ बना ली थी खाने के लिए उस टाइम। ये समोसियाँ जो थी उनके लिए आलू का मटेरियल भी रेडी कर लिया था। यहाँ पे हम लोग बना रहे थे समोसियाँ। ये समोसियाँ रोल कबाब वगैरह बना के फ्रीज़र में रख दिए थे रात को, और ये सुबह तक हो चुके थे फ्रीज़। फिर इनको ट्रे में से निकाल के मैंने ये जिपलॉक बैग जो थे इसके अंदर रख के इनके पैकेट्स वगैरह बना लिए थे मैंने। और थोड़े से जो हैं वो रोल समोसियाँ और अरीबा के जो छोटे कबाब बनाए थे ये बच गए थे, जिपलॉक बैग मेरे फिनिश हो चुके थे। तो ये मैं दूसरी जो उनसे बैग होते हैं उनमें डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, और जिपलॉक बैग में और मंगा लूँगी ताकि जो और सामान आना है मैं वो भी फ्रीज़ कर सकूँ कुछ दिन बाद। तो मेरी प्रिपरेशन का व्लॉग आपको कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं वीडियो बना रही थी, वॉइस ओवर भी करना था उस क्लिप पे, तो बीच में ना बार 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 मेरी जो बेटियाँ हैं वो दोनों तंग कर रही थी, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने वीडियो मतलब बनाई है आज का व्लॉग। तो वॉइस ओवर में भी बहुत टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो बनाती थी वीडियो, तो फिर कभी छोटी वाली जाग जाती थी, कभी वो तंग करती थी, कभी बड़ी वाली तंग करती थी, क्योंकि दोनों की तबीयत ना 2 दिन से ठीक नहीं है। छोटी जन सी है बेटी, उसको उसके दांत निकल रहे हैं, तो उस वजह से उसको मोशन भी लगे हुए हैं और आईज़ भी उसकी ख़राब हैं, उसको फीवर भी था। और बड़ी वाली को भी 102 103 फीवर रहा है 2 दिन। आज अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है, पहले से सुबह था हल्का सा लेकिन अब बेहतर है। तो इंशाल्लाह ये पार्ट 1 था, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी कल परसों आप लोगों से शेयर करूँगी। और अब रमज़ान की आमद आमद है, हर तरफ रमज़ान की तैयारियाँ जिनसे चल रही होंगी, हर घर में चल रही होंगी। तो आप सब लोग रमज़ान के महीने में हमें दुआ में याद रखें और पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ फिर मिलूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।